हाँ तो दोस्तों टिकटॉक पर एक ट्रेंड में है लड़की। दोस्तों एक लड़की ने कुछ गाना गाया है, मुझे लगता है वो राजस्थानी साइड की लड़की है, उसने एक गाना गाया है। तो आप इस साइड उस लड़की का फोटो देख लीजिए दोस्तों, ये लड़की बहुत ही टिकटॉक पर वायरल है। दोस्तों इस लड़की की वीडियो फॉर यू पेज पर दबके चल रही है, बहुत टॉप की चल रही है। तो दोस्तों मैंने भी सोचा क्यों नहीं आप सबके लिए एक वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आया जाए। तो दोस्तों एक भाई ने कुछ इस प्रकार से नेम आर्ट वीडियो एडिट कर इस पर अपलोड करा आईडी पर। तो दोस्तों इस भाई की भी भाई रैंकिंग में वीडियो चली दोस्तों 50 लाख से ज्यादा इस वीडियो पर इसके भी व्यूज आ चुके हैं। तो दोस्तों क्यों ना सोचो मैं आप सबके लिए इसी वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आया जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों, ये वायरल होने का सबसे आसान मौका है। तो दोस्तों आप इसके ऊपर 100% वीडियो बनाकर अपलोड करें। दोस्तों चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन में बताते हैं आपको ये वाली वीडियो कैसे बनानी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। दोस्तों मैं काइन मास्टर का प्रो वर्जन यूज़ करता हूँ, और आपको मेरा वाला काइन मास्टर चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन की लिंक दे दी है। तो आपको सिंपली काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते तो बीच में एक प्लस का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको बीच वाले प्लस पर एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप प्लस पर क्लिक कर दें तो यहाँ आपसे 3 एब्सैक्ट रेशियो मांगे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो बीच वाला फ्रेम है 9:16 वाले फ्रेम को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके सामने फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने एक लड़की की वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जो विदाउट वाटरमार्क है। तो दोस्तों पहले आप उस वीडियो को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमको उसी लड़की की वीडियो को लेके आना। तो लेके आने के लिए सिंपली आपके राइट साइड में जो मीडिया का ऑप्शन है तो आपको सिंपली मीडिया पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप मीडिया पर क्लिक करते हो दोस्तों आपने उस वीडियो को जहाँ भी डाउनलोड किया जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो आप उस वीडियो को वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आपकी वीडियो कुछ इस प्रकार से शो होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आके अपनी वीडियो को पॉज कर देना है। तो दोस्तों जो यहाँ पर ये बीच में जो ये ब्लैक ब्लैक सा है तो हमको इसके अंदर अपना नेम लिखना है। तो सिंपली नेम लिखने के लिए दोस्तों आपके राइट साइड में जो लेयर का ऑप्शन है तो सिंपली आपको लेयर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप लेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट का, तो आपको सिंपली यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो दोस्तों जैसे ही आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट ये जो है कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना जो भी नेम हो आप अपने नेम को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने अपने नेम को यहाँ पर टाइप कर लिया है। तो नेम टाइप करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ से सिंपली उस नेम को ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको अपने नेम को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो दोस्तों देखिए मेरा नेम कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। तो दोस्तों थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करता हूँ उसका थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए सिंपली आपके राइट साइड में जो डबल ए का ऑप्शन है तो आपको ए वाले ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने का दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ये ऑप्शन है तो यहाँ से आप जो भी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको न्यू फॉन्ट डाउनलोड करना हो तो यहाँ पर एक बॉक्स है तो इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए अपना नेट ऑन कर। तो दोस्तों यहाँ से आप कोई भी अच्छे से अच्छा फॉन्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ से और देख लेता हूँ कौन कौन से फॉन्ट मुझे यूज करना है। तो दोस्तों मैं इस वाले फॉन्ट को यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं इस वाले फॉन्ट पर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से राइट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरा ये वाला फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। तो मैं आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ा दोस्तों अपने हिसाब से आपको भी अपना नेम इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों देखिए मेरा नेम कुछ इस प्रकार से शो होगा। तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों अपने नेम की जो वीडियो ना उसको भी यहाँ से स्क्रॉल कर एकदम लास्ट तक वीडियो के बराबर इक्वल कर देना है। तो दोस्तों इक्वल करने के बाद फिर आपको सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है और दोस्तों इस वीडियो अपने नेम को थोड़ा इसके अंदर ठीक से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको इसके अंदर का कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए सिंपली दोस्तों सीजर के बराबर में जो वाइट कलर का ये आ रहा है तो आपको इसमें जाना है। और दोस्तों यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर येलो कलर को सेलेक्ट कर लिया। तो आप अपने मनपसंद से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ से आउटलाइन ऑन करना है तो आप आउटलाइन ऑन कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगेगा। फिर आपको सिंपली यहाँ से राइट करना है और दोस्तों अपने नेम को एक बार प्ले कर देखना है। तो दोस्तों देखिए मेरा नेम तो इसके अंदर ठीक से आ रहा है लेकिन थोड़ा सा ये नीचे को आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। थोड़ा ऊपर करने के बाद दोस्तों अब आपको इसमें एक ऑप्शन का भी ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ बीच में जो ए ओवरऑल एनिमेशन आ रहा है ना आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ये इन एनिमेशन है तो आप इसमें से कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे आप इसके अंदर वो वाला सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं ऊपर वाला ये फ्लिप वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से इसको राइट करता हूँ और यहाँ से दोस्तों फिर एक बार प्ले कर देखता हूँ। तो दोस्तों फ्लिप वाला देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है।
तो आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने नेम को इसके अंदर ठीक से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आप फिर आपके ये थोड़ा सा देख जूम कर कर भी देख लेना है। तो दोस्तों मेरा नेम इसके अंदर बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो गया है। तो आपको फिर यहाँ से राइट करना और एकदम स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद दोस्तों जब आपकी वीडियो बनकर पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में एक शेयर का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली शेयर पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप शेयर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे आपके सामने। तो दोस्तों जो भी आपका मोबाइल सपोर्ट करता हो तो यहाँ से आप वो जो भी HD या फुल HD जो भी सर्विस सपोर्ट करता हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों ये कुछ लोडिंग लेने लगेगा, जैसी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यह वीडियो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगली नई वीडियो में।